हाँ हाँ क्या सजेशन था तुम्हारा? नहीं, एक सजेशन नहीं है, मैंने अपनी स्पीच में दो तरह के सजेशन दिए। पहले ये सजेशन थे कि उड़ीसा में जो मिलेट्स है उसको हम आगे कैसे प्रमोट कर सकते हैं। दूसरे सजेशन थे कि ओवरऑल जो उड़ीसा का एग्रीकल्चर है उसमें हम ग्रोथ को एक्सेलरेट कैसे कर सकते हैं। तो मिलेट के लिए जो मैंने आज एम्फेसिस दिया कि मिलेट में उड़ीसा के पास बहुत अच्छी वैरायटी, डाइवर्सिटी, जर्म प्लाज्म उपलब्ध है, लेकिन हमें उस जर्म प्लाज्म को आगे यूज करके मिलेट का जो यील्ड है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। जैसे यहाँ का जो मिलेट का यील्ड है वो केवल 2.5 क्विंटल प्रति एकड़ है, जो बहुत कम है। तो यील्ड का इंक्रीज, वैरायटी जो हम बनाते हैं हमेशा जर्म प्लाज्म से बनाते हैं, और उड़ीसा के प्लास वो जर्म प्लाज्म है। जब हम उसको यील्ड को बढ़ाएंगे तभी किसान ज़्यादा उसको मिलेट्स की ओर प्रेरित होंगे और मिलेट्स को ग्रो करना शुरू करेंगे। दूसरा है कि उड़ीसा की ओवरऑल एग्रीकल्चर, उसमें पिछले 10 साल का यदि हम देखें तो जो फसल है, क्रॉप सेक्टर है, उसकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है, इंडिया से दोगुना है। इसी तरह जो फिशरी का सेक्टर है, मछली पालन का, उसमें भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। वो ग्रोथ रेट 11-12% है, जो इंडिया की टॉप की स्टेट्स जो हैं उनमें उड़ीसा आता है। लेकिन लाइव स्टॉक, जहाँ तक वो डेयरी का है इशू, उसका ग्रोथ रेट कम है, और उसकी जो गाय से हमें दूध मिलता है या भैंस कम है यहाँ पर, वो जो है मिल्क यील्ड कम है। तो मैंने सजेशन दिया है कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट की ओर भी ध्यान देना चाहिए। और इसी तरह हॉर्टिकल्चर यहाँ बड़ा इम्पॉर्टेंट है, फ्रूट वेजिटेबल हाई वैल्यू क्रॉप्स है, उसको बढ़ाना चाहिए। जो खाली भूमि फैलो लैंड रहती है, लगभग 33% यहाँ की कृषि योग्य भूमि, उसमें कोई फसली नहीं होती, या तो कोई एब्सेंटी लोग हैं, उनकी लैंड है, वो करते नहीं। तो उसके लिए भी कोई हमें नया नियम बनाकर, टेनेंट के साथ कोई लीज के सिंपल कानून बनाकर उसको भी कल्टीवेशन में लाना चाहिए, तभी उड़ीसा का एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा हो सकता है। धन्यवाद।